व्यूअर्स, रोज़ की तरह आज मैं आपके लिए एक और प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिसकी आपको न्यू डील के बारे में मैंने अपडेट फ्राहम करनी है। व्यूअर्स, इसका नाम लिबर्टी लैंड्स है, जो कि यूनियन डेवलपर्स वालों की तरफ से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इसी साल के शुरू में। और इसका सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि ये डिवेलपर कौन है और इनकी जो है वो हिस्ट्री क्या है। यूनियन डेवलपर ने बेसिकली इतिहाद टाउन के साथ जो है वो काम स्टार्ट किया था। इतिहाद टाउन के अंदर यूनियन डेवलपर्स ने अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इतिहाद टाउन के साथ मिलके ही, तो और वो बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है। उसमें पाकिस्तान में जो लोकल रेजिडेंट्स हैं और ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने बहुत ही बढ़ चढ़ के बुकिंग करवाई थी और बहुत हाथों हाथ बिकने वाला प्रोजेक्ट रहा और बहुत ही आइडियल था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अरशाम शेख फ्रॉम स्काई रियल्टर्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, रोज़ की तरह आज मैं आपके लिए एक और प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिसकी आपको न्यू डील के बारे में मैंने अपडेट फ्राहम करनी है। व्यूअर्स, इसका नाम लिबर्टी लैंड्स है, जो कि यूनियन डेवलपर्स वालों की तरफ से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इसी साल के शुरू में। और इसका सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि ये डेवलपर कौन है और इनकी जो है वो हिस्ट्री क्या है। यूनियन डेवलपर ने बेसिकली इतिहाद टाउन के साथ जो है वो काम स्टार्ट किया था। इतिहाद टाउन के अंदर यूनियन डेवलपर्स ने अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इतिहाद टाउन के साथ मिलके ही, तो और वो बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है। उसमें पाकिस्तानी जो लोकल रेजिडेंट्स हैं और ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने बहुत ही बढ़ चढ़ के बुकिंग करवाई थी और बहुत हाथों हाथ बिकने वाला प्रोजेक्ट रहा और बहुत ही आइडियल था। उसके बाद यूनियन डेवलपर ने लिबर्टी लैंड्स के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो जिया बग्गा पे लोकेट कर रहा है, लेक सिटी की बैक साइड पे, और रिंग रोड के जो इंटरचेंज आता है हल्लो की इंटरचेंज, उस इंटरचेंज से उतर के आप जैसे ही एलडीए सिटी की टुवार्ड्स हो जाएं, लेक सिटी की बैक साइड लगती है, और एलडीए सिटी की टुवार्ड्स अगर आप जाएँ तो वहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। वहाँ पर आप समझ लें कि एक जत्था है सोसाइटीज़ का, वहाँ पे बेबहा और सब के सब जो है वो टॉप फेवरेट सोसाइटीज इस वक्त चल रही हैं, जिन्होंने अपना इस वक्त नाम बनाया हुआ है, जिसमें अभी मैंने प्रीवियसली वीलॉग में बताया था कि इतिहाद टाउन उन्होंने फेज टू द लॉन्च किया है। उसके बाद उसी लोकेलिटी पे जिया बग्गा रोड के ऊपर ही ये लिबर्टी लैंड भी मौजूद है। इसकी सराउंडिंग में पार्क एवेन्यू भी है, खैबान अमीन भी है, और एलडीए सिटी भी है। एक नई सोसाइटी भी वहाँ पे आ रही है, मैं आपको अपने अगले नेक्स्ट वीक ब्लॉग में उसके बारे में बताऊंगा। सो वो थोड़ा सरप्राइज़ है और बहुत बड़ा ग्रुप है वो भी। खैर, वो नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा मैं आपको। इसकी लोकेशन जो है वो जिया बग्गा पे ही है। तो इन्होंने इसी साल के शुरू में उसमें डील लॉन्च की थी वहाँ पे 3 मरला और 5 मरला की, और उसी लैंड के ऊपर इन्होंने एक्सटेंशन दी है, जो कि न्यू डील आप कह सकते हैं, जो 5 मरले की है। पहले इन्होंने जो लॉन्च किया था प्लॉट, वो तकरीबन 32 लाख रुपये का था। उसके ऊपर इस वक्त 5 से 6 लाख रुपये तकरीबन ऑन चल रहा है। और इस वक्त जो इन्होंने नया प्लॉट लॉन्च किया है, जो नया रेट लॉन्च किया है, वो है 5 मरले का, जो वो टोटल प्राइस है 37,75,000 रुपये, जिसकी जो बुकिंग है वो 6,95,000 रुपये से बुकिंग है। और अभी लॉन्च होते ही साथ ही थोड़ा बहुत ऑन इसके ऊपर आ गया है, लेकिन ये अवेलेबल है और मुनासिब रेट पे भी आपको मिल सकती है अगर आप इसमें अपना प्लॉट लेना चाहें तो। व्यूअर्स, इनका जो लीगल स्टेटस है वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। लीगली ये सोसाइटी जो है वो एलडीए से अप्रूव्ड है। यूनियन डेवलपर के बाले से मैं मज़ीद आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा करता जाऊँ कि यूनियन डेवलपर जो बेसिकली ये जो डेवलपर्स हैं, ये इदारा ओन किया जाता है मियाँ अमर महमूद साहब की तरफ से, जो कि लाहौर शहर के प्रीवियस नाज़म भी रहे हैं, सिटी नाज़म रहे हैं। मियाँ अमर महमूद साहब की पर्सनैलिटी से हर बंदा बखूबी वाकिफ़ है। उनके वाले से अगर मैं बताऊं तो वो अपनी हमेशा जो भी कमिटमेंट उन्होंने किए वो पूरी करते आए हैं। उन्होंने इतिहाद टाउन में यूनियन डेवलपर्स के जो अपार्टमेंट्स यूनियन डेवलपर की तरफ से इनकी तरफ से लॉन्च किए गए थे, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से जारी है और वो अपने मुकर्ररा टाइम से पहले ही इंशाल्लाह डिलीवरी देंगे। उसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी रखी हुई है, और उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है पर्सनली तौर पे, कि ये अपने टाइम से पहले ही वहाँ पे डिलीवर करेंगे। तो 37,75,000 रुपया 5 मरले के प्लॉट की प्राइस टोटल है, और
मुनासिब प्राइस है उस लोकेलिटी में, जबकि वहाँ पे ख़ैबान यमीन और लेक सिटी का भी एरिया लगता है और यहाँ पे रेट्स आपको पता है कि किस हद तक पहुँच चुके हुए हैं। सो मैं इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस दोनों पर्पज़ के लिए ये सोसाइटी रेकमेंड करूँगा। मैंने अपने प्रीवियसली वीलॉग में इतिहाद टाउन की जो न्यू डील थी फेस टू को उसके बारे में बताया, ये उसकी बिल्कुल नेबरहुड में ही लोकेटेड है। तो दोनों ही माशाल्लाह अच्छे ब्रांड्स हैं, लेकिन लिबर्टी लैंड इसकी प्राइस इतिहाद टाउन से कम है और मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूँगा कि इसकी प्राइस अफोर्डेबल है। और मज़ीद इस हवाले से कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अगर इसमें प्लॉट बुक करवाया हुआ है, फाइल ऑलरेडी बुक करवाई हुई है और फौरन ही अगर सेल करना चाहते हैं तो भी, या अगर आपने यहाँ पे प्लॉट लेना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप मज़ीद हमारी आने वाली वीडियोज़ से अपडेटेड रह सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो, तब तक के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम। Oh, oh, oh.